जी दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपका हमारे चैनल आशीष आयुर्वेदिक सेंटर पर। दोस्तों आज एक और बहुत बढ़िया मर्दाना टाइमिंग के लिए आपके लिए एक नुस्खा लेके हाजिर हुए हैं। बहुत ही बढ़िया है, बहुत बार का आजमूदा है, मगर इसको सिर्फ वैद्य लोग ही बनाएं, या फिर अगर आपने खाना है तो किसी वैद्य की देख रेख में खाएं। तो इसको बनवाने का जो तरीका है बहुत ही सिंपल सा है, मगर उससे पहले आपको निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। तो दोस्तों इसके लिए इसके अंदर कुछ जो आपको पता है जो जितनी भी टाइमिंग वाली औषधियाँ होती हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ हमको कुछ नशीली औषधियाँ डालनी पड़ती हैं, मगर इसके अंदर आज हमने लिया है धतूरा। धतूरे के शुद्ध बीज लेने हैं आपको सिर्फ 10 ग्राम, 50 ग्राम आपको लेना है मुनक्का और 50 ग्राम आपको लेने हैं शुहारे, जो नर शुहारे होते हैं उसकी गुठली निकाल देनी है और वो भी आपके पास 50 ग्राम होने चाहिए। अब इसमें आपने 250 ग्राम पानी डालकर इनको एक छोटा सा बर्तन ले लें जिसके अंदर आपका पानी कम से कम 250-300 ग्राम के करीब आ जाए, या ज़्यादा बड़ा भी हो कोई दिक्कत नहीं है, या घर पर जो फ्राई पैन होते हैं स्टील के चाय बनाने वाले ऐसा कोई बर्तन ले लें, उसके अंदर आपने शुद्ध धतूरे के बीज, धतूरे के बीज दोस्तों शुद्ध करने हैं, शुद्ध लेने हैं, कच्चे धतूरे के बीज नहीं लेने क्योंकि एक विष है, तो इसको आप ये आपको पता है उसको ताकत देता है, खुश्क होता है, तो ये टाइमिंग को बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया तकसीर का काम करता है। तो आपको एक फ्राई पैन के अंदर धतूरे के बीज, मुनक्का और शुहारे गुठली निकाल कर डाल देने हैं, कम से कम उसको इतना पकाना है कि ये पानी 250 ग्राम से सिर्फ 100 ग्राम के करीब रह जाए। तो इसको ठंडा करके इसमें से सिर्फ आपने मुनक्का और शुहारे निकाल लेने हैं, धतूरे के बीज छोड़ देने हैं। उसके बाद इसको अच्छी तरह से हवन दस्ते में कूटें, कूटने के बाद इसकी गोली बना लें, इसके जो मुनक्का के जो बीज हैं वो भी निकाल दें और शुहारे की जो गुठली है वो भी निकाल दें। कूटने के बाद इसकी छोटी गोली नखूदी से थोड़ी छोटी, चने के बराबर होती है नखूदी, तो उससे थोड़ी छोटी गोलियाँ तैयार कर लें आप अपने हिसाब से। इसको पहले दिन एक गोली खाएं, अगर बढ़िया आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आती तो अगले दिन दो गोली भी खा सकते हैं, मगर दो से ज़्यादा कभी ना खाएं, ये टाइमिंग को भी बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। इसके अलावा ये पट्ठों को ताकत देती है और ये और भी जो असाबी कमजोरी जो कहते हैं पट्ठों की कमजोरी है वहाँ पर काम करती है। तो इसको बनाएं, बहुत बढ़िया नुस्खा है, मेरी बात दोबारा से फिर दरख्वास्त है कि इसको आप खुद बना बनाएं, किसी अच्छे वैद्य से बनवा कर खाएं, जहाँ फिर अगर आप थोड़ा बहुत आयुर्वेद का ज्ञान रखते हैं तो ही बनाएं। तो ओके दोस्तों, धन्यवाद।